ये है जे जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 21 मई को महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान मालेगांव में किया मालेगांव कांग्रेस के इलेक्शनी मैनिफेस्टो का विमोचन। जनता जवाब न्यूज से खास बातचीत में अशोक चौहान ने कहा कि मालेगांव वासियों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, अगर इस बार भी सत्ता दे तो शहर का जरूर विकास होगा। देखिए ये रिपोर्ट। 24 मई को मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं। आज हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, अशोक राव जी चौहान हमारे साथ मौजूद है। सर आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज। सर 24 मई को मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले, आपकी आमद क्षेत्र में कोई खास पैगाम? ऐसा है कि कांग्रेस को यहाँ पर मालेगांव के लोगों ने हमेशा साथ दिया है। हमारे यहाँ के एमएलए आसिफ भाई, साबिका यहाँ के एमएलए रशीद भाई, ये दोनों ने मिलकर मालेगांव में बहुत मेहनत की है। आम आदमी के जो भी मसाइल है उसमें मदद करने की भूमिका और भावना इनकी हमेशा रही है। लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया है और रशीद भाई के परिवार को हमेशा उन्होंने सर आंखों पर उठाया, क्योंकि उन्होंने चाहे वो पावरलूम का मसला हो, चाहे गांव में के हमारे मुस्लिम भाइयों का कोई मसला हो, हिंदू भाइयों के इश्यूज हो, और गांव में शांति और अमन बनाए रखने के लिए हमेशा इन लोगों का योगदान रहा है। आज के जो देश के हालात है और राज्य के हालात है, उस ध्यान में रखते हुए लोगों की भूमिका है। कांग्रेस ही देश को संभाल सकती है, कांग्रेस ही राज्य को संभाल सकती है, और मालेगांव और कई रास्ते पे जाने की भूमिका निश्चित तौर पर नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के पीछे पूरा साथ यहाँ के लोग देंगे। सर जैसे कि पीछे कांग्रेस को कई जगहों पर हार, क्या ये समझा जाए मालेगांव शहर में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस का नया जन्म मालेगांव से समझा जाए? आप महाराष्ट्र की बात करें तो परभणी की बात परसों देखिए, परभणी महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस मेजोरिटी के साथ चुनकर आई। यहाँ पर भी निश्चित, यहाँ ही बात नहीं है सिर्फ मालेगांव की बात नहीं, भिवंडी है, पनवेल है, वहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं। मुझे पर उम्मीद है कि खास करके हमारी माइनॉरिटीज़ और बाकी के जो लोग हैं सब मिलकर चाहते हैं कि शांति और अमन बनाए रखें, सबको कौमी एकता की भूमिका सबके दिल में है, और तरक्की तभी हो सकती है कि जब सब मिलकर काम करें, तो मालेगांव निश्चित तौर पर ये भूमिका लेकर आगे चलेगा। 24 मई को यहाँ पर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उसके लिए आवाम से तो आवाम से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि सब मिलकर कांग्रेस को ताकत दें, और कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ की महानगर पालिका बनती है तो निश्चित तौर पर इंशाल्लाह बनेगी। निश्चित तौर पर हम मिलकर मालेगांव के जो भी मसाइल अभी बाकी है उसमें, 2.5 साल में तो इन्होंने कुछ नहीं किया बाकी के लोगों ने, आने वाले 5 साल अगर हमारे हाथ में आती है महानगर पालिका जो निश्चित आएगी, मालेगांव के लोगों की हम उनके सपनों को साकार करने में कभी कम नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा महाराष्ट्र के उप सीएम श्री अशोक राव जी चौहान ने कहा कि यहाँ कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है और ये एक नया जन्म कांग्रेस मालेगांव से लेने वाली है। देखना यह है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। मालेगांव जनता जवाब न्यूज़ से कैमरामैन इब्राहिम सुल्तान के साथ जुनैद आलम, जनता जवाब न्यूज़ मालेगांव। मालेगांव फतेह मैदान में एनसीपी और जनता दल के अजीम इत्तेहाद का आखिरी इलेक्शनी जलसा। बुलंद इकबाल ने कहा कि ये जलसा साथी निहाल अहमद को खराज अकीदत है। आज का ये जलसा अजीम इत्तेहाद का आखिरी इत्तेहादी जलसा तो है, मगर इस जलसा के साथ ये साथी निहाल अहमद साहब को खराज अकीदत भी है। खराज अकीदत इसलिए बोल रहा हूं, फिरका परस्तों की आंख में आंख डालते हुए निहाल अहमद साहब ने अपनी जिंदगी गुजारी। मालेगांव टेंशन चौक में कांग्रेस आई का आखिरी इलेक्शनी जलसाया। एमएलए आसिफ शेख ने लोगों को संबोधित करते हुए वादा किया कि कांग्रेस की सत्ता आने के बाद हर एक को मिलेगा उसका हक। मेरे सभी ओपन स्पेस के झोपड़पट्टी में रहने वाले
सभी मेरे हाई परचेज के ऊपर रहने वाले, मैं आज उन लोगों से यह बोलना चाह रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को इक्तदार तक पहुंचा दो 26 तारीख को, इंशाल्लाह शेख रशीद साहब मेयर बनेंगे, पहली तजवीज आपकी ओपन स्पेस की होगी ताकि आपका घर कोई उजाड़ ना पाए, आपका घर कोई उजाड़ ना पाए, यह पहली तजवीज होगी, इंशाल्लाह वो मंजूर होगी, यहां से तजवीज मंजूर होकर मंत्रालय जाएगी, वह आपका भाई मौजूद है या मेरे वालिद मौजूद है, फिर इंशाल्लाह सभी काम मंजूर हो गए, आपकी बस्तियों के ऊपर लटकती हुई तलवार की खत्म होने का काम हम लोग करेंगे। मैं आज बोलना चाहता हूं हमारे पीओ में डॉक्टर हजरत को मालेगांव शहर के अंदर बहुत बड़ी तादाद है, उनको बोलना चाहूंगा क्या आपकी एसोसिएशन के लिए एक अलीशान इमारत, अलीशान ऑफिस आपकी एसोसिएशन के लिए बनाकर कांग्रेस पार्टी देने जा रही है, आप इख्तियार दे दो। मैं बोलना चाहूंगा हमारे फेरी करने वालों को, सब्जी बेचने वालों को, आपके लिए भी एक एसोसिएशन की जगह, आपके लिए भी एसोसिएशन की इमारत बनाकर दी जाएगी। मैं बोलना चाहूंगा बुनकर भाइयों को कि नाग छाप के अंदर आपके लिए भी बुनकर भवन बनाकर दिया जाएगा। मैं बोलना चाहूंगा पावर लूम मजदूरों से, मैं बोलना चाहूंगा पावर लूम मुकादा मजरात से, मैं बोलना चाहूंगा पावर लूम से जुड़े हुए सभी मजदूरों से, आपकी भी एक ऑफिस, आपको भी जगह दी जाएगी ताकि आप वहां पर अपना हक के लिए लड़ते रहे, इसके लिए दी जाएगी, इस बात का मैं ऐलान कर रहा हूं। मैं बोलना चाहूंगा टू व्हीलर रिजर्वेशन के सभी हमारे व्यापार करने वाले, आपके लिए भी जगह दी जाएगी। मैं बोलना चाहूंगा होटल मालकान के लिए, हलवाई के लिए, उन लोगों के लिए भी एसोसिएशन कायम की जाएगी। मैं बोलना चाहूंगा रिक्शा वालों के लिए भी एक एसोसिएशन कायम होगी। मैं बोलना चाहूंगा ट्रक वालों के लिए भी एक एसोसिएशन और जगह कायम होगी, दफ्तर बना के दिए जाएंगे। मैं बोलना चाहूंगा एमआर लोगों के लिए भी एक अलग से एसोसिएशन और जगह दी जाएगी। मैं बोलना चाहूंगा भंगार के धंधा करने वालों के लिए भी जगह और एसोसिएशन बनाकर दी जाएगी। जितने रोजगार हमारे शहर में है, फ्रूट बेचने वाले हो, जितने रोजगार हमारे शहर के अंदर है, वो सभी रोजगार से जुड़े हुए लोगों को अलग से जमीन, अलग से एसोसिएशन, अलग से दफ्तर बना के दिए जाएंगे ताकि आप लोग वहां पर बैठ के अपने रोजगार को बढ़ने के लिए, अपनी हलाल कमाई कमाने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए आप लोग वहां पर बैठ कर अपने मसाइल को हल करें। आप कॉरपोरेशन में इक्तदार पहुंचा दो इंशाअल्लाह। आज का जुमला मेरा याद रखना, शेख रशीद साहब की क्यादत में वो सभी लोगों को इंसाफ देने का काम ये कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे किया जाएगा। वार्ड नंबर 8 शिवसेना के चारों उम्मीदवारों का बुलंद हौसला, क्या कह रहे हैं वार्ड की आवाम से, देखिए ये बोल। आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रा, आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान, ए भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंद विबाणा, अरे भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंद विबाणा, सात गोत्र आणि धर्म आमचा शिवसेना शिवसेना शिवसेना। 24 मई मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हर वोटर के लिए एक महत्व का दिन है, और वोटर के लिए एक महत्व का दिन होने के साथ साथ जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी किस्मत की आजमाइश का दिन है। आज हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के वार्ड नंबर 8 के तमाम उम्मीदवार, चारों उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है। शकराम भुड़के साहब जो कि एक मालेगांव की पॉलिटिक्स में एक जाना माना चेहरा है, राजा राम जादव साहब, सुनीता रामा मिस्त्री साहब जो कि
मालेगांव प्रमुख है शिवसेना के, महानगर प्रमुख उनकी जो ये धर्मपत्नी है हमारे साथ मौजूद है, ये तमाम उम्मीदवार वार्ड नंबर वार्ड क्रमांक 8 के। हम उनसे बात करते हैं कि जैसा कि इलेक्शन चल रहा है, 24 मई को पोलिंग होने वाली है, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तमाम लोग ये जैसा कि कहीं ना कहीं आपको देखा जा रहा है कि आपके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं या लोग आपको वोट क्यों? पब्लिक का जो यानी काम काज है यानी कॉरपोरेशन के तल्लुक से, इससे पहले ये चारों जो लोग हैं ये अनुभवी लोग हैं और इन कोई ना कोई वक्त ये कॉरपोरेशन में इन्हें नुमाइंदगी की है। रामा मिस्त्री ने 2 बार नुमाइंदगी की है, राजाराम जादू ने 1 बार की है, उसके बाद राजेश गंगाव ने इन्होंने भी 1 बार नुमाइंदगी की है और मैं 35-40 साल से कॉरपोरेशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारा जो मकसद है कि पब्लिक को कॉरपोरेशन के ज़रिए जो सुविधा जो उनके मसाइल है वो हल करने का एक तमाम जो प्रोग्राम है हम लेके चल रहे हैं, उनके जो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम खड़े रहते हैं कॉरपोरेशन के ज़रिए हम ये प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम हल करने के वास्ते हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप जैसा कि लोगों के दरमियान आप लोग जा रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या परेशानियां सामने आ रही है, उनका हल आपके पास आ रहा है? हमारा सबसे बड़ा हाल है नदी सुधार और भुयार गडर, ये हम ये वार्ड के चुन के आने के बाद ये हम पहले करने वाले उसके बाद मेरा सवाल आपसे है कि आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जैसा कि एक लेडीज़ उम्मीदवार हैं, आप लोगों के दरमियान जा रही हैं, लेडीज़ से मुलाकात कर रही हैं, अगर आपको जीत मिलती है इलेक्शन में तो आप लेडीज़ के लिए क्या करने वाले हैं, कोई खास लेडीज़ सुविधा सर्व प्रकार की लेडीज़ की सुविधा, अगर आप लोगों को आवाम को कोई अपील करना है तो आप क्या अपील करेंगे? मैं तमाम जनता को अपील करना चाहता हूँ क्या प्रभाग नंबर 8 में दादा बहू जो राज्य मंत्री है स्टेट के, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में लड़ते वक्त वो हमको यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बहुत बड़ा फंड उन्होंने पहले DPR के ज़रिए दिया है और हर योजना जो सेंट्रल से हो ताल्लुक़ रखती हो या स्टेट से ताल्लुक़ रखती हो वो कोई ना कोई बड़ा स्कीम यहाँ दे सकते हैं और हम चारों लोग चुन के आते हैं और ये चारों लोग पब्लिक में रहने वाले लोग हैं तो हम यानी उनके मसाइल जो है वो पूरी तरह हल करेंगे, ऐसा मैं यानी ये वादा करता हूँ। अगर आपकी धर्मपत्नी को जैसे कि वो लड़ रही है, आप बहुत काफ़ी दिनों से शिवसेना की कमान संभाले हुए हैं, अगर उन्हें जीत मिलती है तो एक कोई बड़ा लक्ष्य आपका क्या होगा? प्रभाग क्रमांक 8 से शिवसेना के जो अधिकृत उम्मीदवार है उसमें मेरी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ रही है और ये चारों उम्मीदवार अगर चुन के आते हैं तो मालेगांव के लिए जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाएंगे। हमारे स्टेट के जो ग्राम विकास मंत्री है अली जनाब दादा भुसे साहब, इनके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा निधि ला करके मालेगांव की आवाम को बहुत सारी सुविधा देंगे और उनका जो कोई प्रॉब्लम है वो हम छुड़ाने का पूरा कोशिश करेंगे। पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? पब्लिक को यही कहता है कि मालेगांव शहर में हम जो शिवसेना के जितने भी उम्मीदवार हैं सब उम्मीदवार को चुन के लाए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। निडर बेबाक आजाद, गली से लेकर कस्बे तक, गांव से लेकर शहर तक हर खबर पहुंचाए आप तक मालेगांव शहर का पहला हिंदी न्यूज चैनल जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी।
दिखे जलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जिंदा जवाब न्यूज में। देखिए हमारा खास प्रोग्राम उम्मीदवार से मुलाकात। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 24 मई को होने वाला है। हर उम्मीदवार अपने अपने तौर से मेहनत कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 18 के कांग्रेस आई के नामजद उम्मीदवार तुराब अली साहब। अली साहब आपका स्वागत है जिंदा जवाब न्यूज में। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहते हैं, इसके पहले भी लड़ा, इसलिए और लड़ना चाहते हैं। हमारे वार्ड में बहुत तकलीफ है और जो वार्ड बना है हमारा 18 नंबर वार्ड, इसके अंदर पहले मैं अभी जो उम्मीदवार खड़े हुए मैन थे कुछ काम काज किए नहीं और आगे हमारी ऐसी कोशिश है हमारे पैनल की, चार उम्मीदवार हैं जैसे रफीक पहलवान है, इसराइल भाई है कुरेशी और हमारे निसार भाई चेयरमैन राशन वाले और मैं है ना, हम लोग काम करते और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे और अल्लाह ने हमको नवाजा चारों को कांग्रेस भाई की तरफ से। हमारा काम ऐसा है, हम इसको दिखा के काम नहीं करते, हम लोग है जो काम हमारा काम जो है, हम कौन देख रहा कौन नहीं, अल्लाह तो देख रहा, कभी इतना हम ये ध्यान रखते पब्लिक का कोई मतलब, दवा खाने का मतलब, डिलीवरी की माँ बहन का मतलब और ऐसा कोई मतलब, कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो हमारे रफीक गोलान है, मैं है, इसराइल पुलिस की निसार भाई है, हम लोग हमारी पार्टी तरफ से कांग्रेस की पार्टी की तरफ से हम लोग अपना लगे रहते हैं। वहाँ बिना कोई मसला हो और कोई रोड गडर का सुबह संडास का मसला रहता है तो रफीक गोलान को, हम तो अभी कारपेंटर नहीं है बल्कि हमारे रफीक गोलान ये मामले में कोई फोन मई भी कर देता और कोई अंदाज वर्कर भी फोन करता है, वहाँ बहने बोलती तो वर्के में गुजारा वो आ जाता है, उसके साथ साथ हम लोग भी लगे रहते हैं। और आज से निमाए हमें तो कांग्रेस पार्टी है, आज मेरे को 23 साल हो गए, 24 साल जब से सोशल काम कर रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है कोई लालू की कोई ऐसा कोई मेरा कोई मौजूद ही नहीं है हमारे लोग का, क्या हम लोग मफाद के लिए करते, सोशल काम करते, वार्ड के लोगों के लिए करते, वहाँ बहने गाँव के गाँव लेवल पर काम करते। कांग्रेस पार्टी हमारी जो है बड़ी पार्टी है, ये गांव लेवल पे हम लोग काम करते हैं, वार्ड तो देखते नहीं है कौन है ये क्या है कुछ नहीं, हमारे जैन में जो भी हमारे पास काम लेके आता हम लोग वो हिसाब से काम करते रहते हैं, कोई वो इतनी किसी गरीब अमीर कुछ देखते नहीं, हमारा काम है सिर्फ काम करना है, गरीब का मतलब हो अमीर का मतलब हो हम सबको एक तरह से देखते, ऐसा किसके साथ भी पार्टी वाली हमारे पास वो काम है नहीं। हाँ काम अच्छा होना चाहिए वार्ड में, आज हमारे वार्ड में ऐसी दिशा एकदम खास तौर से हमारे गौरव वार्ड पट्टे में गांधी नगर हो गया, हिम नगर हो गया, अमनपुरा हो गया है और पाशु नगर है, रोशनाबाद है, मदनी नगर है और वगैरह हमारे मुंशी साबन नगर दोनों है, अभी तो अल्लाह करा रफी बोलान चुन गया है, जब से बहुत सारे काम किए संडास का गडर का और पानी का मसला है, कुछ जिम खाना बनाया है ना, बहुत माशाल्लाह अच्छा काम किया लोगों ने हमारे शब्बीर नगर में है ना, और हमारे वार्ड में ऐसा काम होना चाहिए कि अभी जैसे रफी बोलान इधर वार्ड आजाद नगर छोड़ गया है वार्ड नंबर 18 में है ना, उनके काम को देखते हुए हम लोग ने उनके साथ मिले हुए बेचारे हमारे साथ लब्बैक किए और वार्ड किए, आवाम भी उनका चाहती है, हमारे चारों काम वाले लोग हैं, चारों अच्छे लोग हैं, कोई ऐसा उनका कोई मसला नहीं, जिससे सामने वाले उम्मीदवार जो मैम की उनकी ऐसे तो है ही नहीं, हम लोग उनके सामने के लोग देखो हमारे में क्या अच्छाई बुराई है ये तुम समझ सकते हो आवाम है ना, और उसकी आप मामले में अभी चल रहे हैं कैंपेन वगैरह कर रहे हैं दौरे वगैरह कर रहे हैं, लोगों की क्या परेशानियां सामने आ रही है और आपके पास उसका हल क्या है, सबसे बड़ी परेशानियां और कोई उसका हल ऐसा है, अभी तो परेशानी बहुत सी चीजें हमारे गांधीनगर में संडास की परेशानी है, गटर की परेशानी, पाइप लाइन पानी आता नहीं, आधे गांधी नगर पानी आता है, पाशु नगर में नहीं आता, अयुम नगर में नहीं आता और बहुत सारे जगह है, मुंशी साबान नगर है, परेशानी तो इतनी है, जाओ तो सब तो बेचारे माँ बना परेशानी दिखाते है ना, परेशानी बहुत है, रोड की परेशानी है, आज समझ लो कुछ जगह काम हुए वो जो सामने वाले पार्टी ने किए मुफात के लिए और हमारा काम ऐसा रहता इसको दिखा कर रहता नहीं, अभी रफीक गोलान जो है उनके वार्ड के अंदर हमारे जो लीडर है शेख रशीद साहब और आमदार शेख आसिफ साहब, इनको वो
बोल के हम लोग भी अल्लाह ने हमको नवाजा, तो ये सब काम हम ये तकलीफ अल्लाह की आए तो सब दूर कर देंगे हमारे लिए। मेरा अगला सवाल ये कि अगर आपको इसमें जीत मिलती है इलेक्शन में, तो आपका कोई एक बड़ा मकसद क्या होगा वार्ड के लिए? वार्ड के लिए तो मकसद तो बहुत माशाल्लाह जोर के रखेगा, अल्लाह ने नवाजा तो मकसद तो लोग देखेंगे, बोलेंगे तो नहीं मुंह से आज बाकी करके दिया। आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि आप आवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे या कोई आवाम से अपील करना चाहेंगे? आवाम से अपील भी करना चाहूँगा, एक पैगाम भी देना चाहूँगा। हमारे जो उम्मीदवार है चारों कांग्रेस पार्टी ने दी है, तो चारों वोट हमें निशान पर देना चाहिए। हम उम्मीदवार अगर चार वोट देते तो पांचवी वोट भी हमारे जो लीडर है शेख अजीज साहब को तो पांचवी वोट पड़ जाएंगे। अगर ये आवाम हमारी माँ बहनें भाई भाई लोग बुजुर्ग लोग अगर देते हैं चार वोट हम लोग को, ये चार वोट हमको मिल जाएंगे तो हमारा जो लीडर है पांचवा उम्मीदवार समझ लो चुनके तो आप लोग देंगे, माँ बहन और जो भी भाई है ना। तो इतना गुजारिश करूँगा आवाम से हमारी माँ बहनों से। इसी तरीके से हमारे साथ वार्ड नंबर 18 के कांग्रेस आई के तीसरे उम्मीदवार शेख अफजल उर्फ रफीक भूरिया साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं सबसे पहला सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या आपको लोग वोट क्यों दें? मैं 2007 में 2007 से 2012 तक पहले टर्म नगरसभा बना, 2012 2017 तक दूसरे टर्म नगरसभा बना। मेरा जो वार्ड होता वो कट गया, खड़े बात जैसे अजीब नगर सभ्य नगर गांधी नगर के आवाम ने मेरे को ये बोले कि ये एरिया से इलेक्शन लड़ोगे, तो मैंने लोगों को बोला कि मेरे को 16 दिन लगा, तो मैंने ये भी देखा कि मैंने एरिया के अंदर पूरा टोटल काम कर चुका था। फिर मेरे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे रसीद भाई उन्होंने देखे गया जब तू आजाद नगर में काम कर लिया, सीमेंट रोड गटर पाइपलाइन रोड संडास गटर लाइट जिम खाना लाइब्रेरी 1 करोड़ रुपये का जिम खाना काम चालू और बहुत फाइनल होने पर आ भी गया, 120 संडास जूना आजाद नगर गुंदवाड़ी अंदर अंडरग्राउंड गटर अंदर सब सीमेंट रोड गटर और प्लस वाल कंपाउंड ऐसे ही काम मैंने तोकल नगर संडास के अंदर 80 संडास वाल कंपाउंड सीमेंट रोड वगैरह सब करके इधर के जब मैंने काम करा तो मेरे को ऐसा लगा कि काम इधर नहीं। बाद में जब मैं बाजू में झोपड़पट्टी एरिया में गया ना तो बहुत सारा मेरे को कच्चे एरिया दिखा रहा काम की जरूरत दिखी, तो मैंने अपने आप का फैसला ही लिया कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कच्चे एरिया से इलेक्शन लड़ना है। तो मेरे को जो पैनल में चार उम्मीदवार जो मिले जैसे तुराब से डोडा लाल निजार हसन वाला इसराइल कुरेजी ये टीम हमारे लिए काम करना है। अगर चारों पैनल अगर निकलेंगे जो कच्चा एरिया है जैसे गांधीनगर में आज पानी की तकलीफ है संडास की तकलीफ है रोड की तकलीफ है लाइट की तकलीफ है डीपी कोहल जिले आदि लोग माँ बहनों परेशान रहते उसकी तकलीफ हमारा ऐसा बैठ के प्लानिंग हुआ कि हमको वार्ड नंबर 18 से ही लड़ना है और कच्चे एरिया में काम काज करना है और इधर डेवलप करना है यहाँ पर, क्योंकि इन्हें सामने वाले जो 2012 में चुने गए थे राष्ट्रवादी के उम्मीदवार 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं करा वहाँ पर, जैसे संडास से काम नहीं रोड करनी गटर करनी हर माँ बहन वहाँ पर तकलीफ में, और लोगों ने हमको जब याद किया कि तुम इधर से इलेक्शन लड़ो लोगों की भावना के ऊपर लोगों की जब बुलाना करो तो अपना एक फैसला करे कि हमको इधर से लड़ना है, क्योंकि लोगों के अंदर तकलीफ बहुत थी काम की संडास रोड गटर और प्लस जो गरीब लोग दवा खाने का मसला रहता सीजर का रोड सीजर का दवा खाने का उल्टी संडास का बहुत सारा मसला रहता बाईपास का हमारे लोग को समझ नहीं पाते, तो हमारे लोग पहुँच के वहाँ पर ताबड़तोड़ जैसे अली अकबर दवा खाना हो गया सुहेल हो गया दुलिया हो गया नासिक हो गया बम्बई हो गया हम लोग फौरन काम वो करके भेज देते, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष से भेजते क्योंकि आसिफ भाई उसको हमारी खुद मदद करते हैं अगर कोई जरूरत लगती है हमको राजीव गांधी कार्ड के ऊपर और पैसा खत्म हो बाद एक से 1.5 लाख रुपये लगते तो आमदार बन ले लेते हैं, ऐसा करके हम लोग बम्बई तक के काम लेते हैं वो हिसाब से हम लोग काम काज करने के लिए इधर वार्ड नंबर 18 में लड़ने के लिए तैयारी करें। जैसा कि आप पहले कारपोरेटर रह चुके जो भी इलाके रह चुके तो आपने अभी तक क्या क्या काम किया? मेरा तो वहाँ खुली किताबी है, आप गुरुवार वार्ड में किसी से पीछे तो सामने मेरा काम की बुनियाद जो सामने सब मेरे सामने है और हर आवाम हर आदमी हर बच्चा ये बोलता है कि मैं बहुत काम करता, आज मेरे मुँह से अगर मैं बोलूँगा तो आप लोग ये बोलेंगे यार मैं मेरे मुँह से बोल रहा हूँ, वहाँ के आवाम से पूछो मैंने वहाँ क्या काम करा और क्या करना और क्या किया वहाँ। कोई एक बड़ा काम आप? मैंने बड़ा काम ये किया यहाँ पर 1 करोड़ रुपये का जिम खाना बना दिया, संडास की तकलीफ थी 120 संडास बना दिया, अंडरग्राउंड गटर डाल दिया, वाल कंपाउंड बना दिया, प्लस बच्चों के लिए पढ़े के लिए तकलीफ होती थी मेरी ऑफिस के ऊपर ट्यूशन क्लास 10वीं 12वीं का मैं फ्री क्लास चलाता था ट्यूशन क्लास, तो मेरे को जगह यहाँ लगी ऐसा कम है हमारे झोपड़पट्टी एरिया के अंदर 10वीं की ट्यूशन की फीस 4000-5000 रुपये प्राइवेट ट्यूशन फीस लगती, तो हमारे टीचरों ने हमने बैठ के फैसला करा था जगह है 10वीं 12वीं का ट्यूशन हम फ्री करना है, तो जगह हमको कम लगी तो आसिफ भाई को हमारे आमदार साहब को बोल के मैं बोला यार हमको जगह करते हैं हम सर्वे नंबर 211 के अंदर इन्होंने 1000 स्क्वायर फीट पर हमको स्टडी सेंटर बना के दिए और वहाँ पर हमारी पढ़ाई का काम चालू है। अल्लाह चाहे तो आगे 10वीं और 12वीं की क्लास से हम जो ट्यूशन क्लास दे रहे आज ये
आईपीएस, तो वो भी हम ट्यूशन क्लास चालू करेंगे, हमारे झोपड़पट्टी के एरिया के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। और हमारे आमदार साहब का भी यही कहना है कि पढ़ाई पे और तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करो और हमारे नगर सभा को भी बल्कि तवज्जो दो उसके अंदर। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपका, अगर आपको इलेक्शन में जीत मिलती है आपको या आपके चारों उम्मीदवारों को, तो आपका अगला प्लान क्या? अल्लाह चाहे तो जीत ही मिलेगी। हम लोग सब काम वाली टीम और काम करते रहेंगे, लोगों के दिमाग और दिल में भी बसे हुए और बैठे भी हैं, लोगों की भावना और लोगों की ख्वाहिश के ऊपर हम चारों उम्मीदवार वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और अल्लाह तो जीत भी मिलेंगी। और हम लोग जैसे शादी और काम है, जैसे आज करीब नवाज गार्डन के अंदर आमदार शादी हल्के जरूरत थी, आमदार फंड से हमने शादी हल्का भी काम चालू कर दिया और करीब सर्व नंबर 211 मुकुंदवाड़ी के अंदर 65 से 70 लाख रुपये का गार्डन और लेडीज जिम खाने का भी काम अल्लाह चाहे तो चालू हो जाए। आवाम के नाम अपील करना, आवाम के नाम अपील करना है तो चारों उम्मीदवारों को वोट दो और चारों पैनल आएंगे प्लस एक पंजा निशान है और उसके अंदर हम जब चारों उम्मीदवार चुन के जाएंगे तो हमारे लिए एक सीनियर लीडर हमारा शेख रशीद साहब वो महापौर बनेगा। महापौर बनेगा तो झोपड़पट्टी अंदर जितना है पूरा हर गली बारीक बारीक गली बड़ी बड़ी गली सब विकास होगा, पानी का मसला, रोड का मसला, संडा का मसला लग जाए तो सब हल हो जाएगा। क्योंकि काम की बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़े और महापौर बनने के लिए, क्योंकि आज कोई भी ठेकेदार है बोगस काम करते बिल निकाले रहे, रसीद पर जब वहाँ पर रहेंगे महापौर रहेंगे वो खुद चाहते काम मजबूत हो, एक एक रोड बना कम से कम 20 से 25 साल टिके, वो चाह के वो ये चाहते जब वो महापौर बनने की तैयारी करें। इसी तरीके से हमारे साथ वार्ड नंबर 18 कांग्रेस आई के उम्मीदवार शेख निसार शेख अकबर राशनवाला साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करके आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? इलेक्शन लड़ने की वजह सिर्फ वही है कि मैं 2006 के अंदर महवी नगर से कारपोरेटर बना और सिर्फ 2.5 साल के लिए कारपोरेटर बना वहाँ पर, और 2.5 साल के अंदर मैंने कम से कम 32 लाख रुपये के काम किए वहाँ पर, और काम ऐसे किए कि 2007 से आज 2017-18 साल हो गए वहाँ पर, काम आज भी वैसी खड़ा हुआ है मेरा, रोड गटर जो बनाया ना मैंने आज फिर भी आज वही कंडीशन में खड़ा हुआ है। और आज वार्ड नंबर 18 के अंदर सब झोपड़पट्टी घेरी है, आज वार्डों के अंदर कम से कम 20-25 साल से जितने भी आज कॉर्पोरेटर आए किसी ने कोई काम नहीं किया वहाँ पर, रोड गटर पाइप जितने भी बहुत ज़्यादा मसले हैं वहाँ पर। और आज जो है तो आवाम की चाहत के अंदर जो वार्ड नंबर 18 के अंदर आवाम की चाहत के अंदर वहाँ पर उम्मीदवारी करने की हमारी शेख रशीद साहब ने हमको आदेश दिए कि तुमको वहाँ से उम्मीदवारी करना है, तो इसलिए हमारा वहाँ पर जज्बा उठाए कि नहीं जो वार्ड आज झोपड़पट्टी है वहाँ पर जाकर आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नल पाइपलाइन के अंदर, पाइप रोड गटर संडास इतनी ज़्यादा तकलीफ है वहाँ पर, क्या हमारा जज्बात जो उठे कि इस वार्ड के अंदर काम होना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे 4 उम्मीदवार दिए जिससे कि आज हमारे रफी मेंबर जो 10 साल से कारपोरेटर है वो उनके साथ हमको लग के जैसे पूरा उतरा भाई ने जो इलेक्शन लड़े 2007 में 12 में इलेक्शन लड़े अच्छा उठे से उनको वहाँ पर शिकस्त हुई है, तो ऐसे इसराइल रही उनकी भी इसराइल मेंबर उनकी भी जो है वहाँ पर जो कम उठे शिकस्त हुई है, तो आज ऐसे 4 उम्मीदवार हैं मजबूत उम्मीदवार है हमारे, कांग्रेस पार्टी ने 4 उम्मीदवार ऐसे मजबूत दिए और हमारे जज्बा सिर्फ काम करने का है। और तालीम के मैदान में मैं स्कूल बोर्ड के अंदर 7 साल वाइस चेयरमैन रहा, वाइस चेयरमैन रहने के बाद भी हर स्कूलों के अंदर अच्छी तालीम अच्छा टीचरों के ऊपर जो टीचरों ने कैसा पढ़ाना चाहिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बच्चों के लिए किताबें दफ्तर भी हमने स्कूल बोर्ड के अंदर रहकर वो पूरा किए। और आज जो है कारपोरेटर आज चारों अल्लाह ने नवाज दिया चारों लोगों को हम लोगों को, तो इसके आगे जो बाहर जो अभी आज जलगांव के अंदर भड़गांव के अंदर एक लड़का अपना एक मुस्लिम बच्चा जो है PSI बना हुआ है आज सबसे कम उम्र के अंदर, तो हमारा भी जज्बा ये बोलता है कि यहाँ पर अंदर हमारे गुरुवार वार्डों के अंदर जो है गरीब लोग आज तालीम जो नहीं घर ले पाते आज तालीम नहीं ले पाते तो उनको तालीम अच्छे ढंग से मिले, और हमारे मालेगांव के अंदर खासतौर से गुरुवार वार्डों के अंदर भी IPS MPSC ऐसे कोई ना कोई बच्चा यहाँ से हमारा हुनरमंद बन के मालेगांव का नाम रोशन करे, इसलिए ये जज्बात में आते हुए हम लोगों ने वार्ड नंबर 18 के अंदर जो लड़ने का फैसला किया। जैसा कि आपने बताया कि मैं पिछली बार वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ, तो अभी आपको मौका मिला है, अगर आपको जीत मिलती है इलेक्शन में तो आप ये तालीम को ध्यान में रखकर आप कोई काम करने वाले? सबसे पहले मेरी खुद की तरजीह जो है और मेरे लोगों को लेकर जो टीम हमारे साथ पैनल के अंदर है
मेरी तरजीह इन लोगों को भी ये बोला जाएगा मेरे साथ जो कॉर्पोरेटर आएंगे, और उनको आज जो है 2009 के अंदर जो है शेख आसिफ साहब ने जो तालीमी जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर सातवीं तक की मंजूरी दी, तो शेख आसिफ साहब ने उसकी दसवीं की मंजूरी करा चुकी है, मगर उस पर आज तक अमल बजौली नहीं। तो वो हमारे आने के बाद जो है यहाँ पर शेख रजीद साहब महापौर बनते हैं, और नीचे ऊपर से जो है तो शेख आसिफ साहब आमदार है, इधर यहाँ पे महानगर पालिका के अंदर महापौर अगर शेख रजीद साहब बनते, तो ऊपर से नीचे तक के जो सत्ता अपनी रहेगी कांग्रेस पार्टी की, तो वो दोनों मिल के काम जो है अच्छे ढंग से होंगे, और दसवीं की जो मंजूरी हमने कर चुके उसको अमल बजौली हम करेंगे। दसवीं आप जिस लोगों में चल रहे हैं वार्ड में दौरे वगैरह कर रहे हैं, लोगों की क्या मांग है और आपके पास उसका हल क्या है? हर जगह जाने के बाद वार्ड में दौरा करने के बाद लोग सिर्फ नल की जो पानी की जो कई वो प्रेशर कम आता है, पाइपलाइन बारीक हो चुकी है, 20-30 साल हो गए पाइपलाइन चेंज हुई है जहाँ पर पाइपलाइन है, और कई तो पाइपलाइन है नहीं जहाँ पर भी वो दौरा करने जा रहे हैं, मांग यही हमारे गली में पाइपलाइन डलवा दो, हमारे इधर प्रेशर कम आता है। ये रोड गडर का तो बहुत कम लोग बोलते हैं, मगर पानी में ज़्यादा पाइपलाइन का सब बोलते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने नवाज दिया तो सबसे पहले तरजीह जो है पानी के ऊपर रहेंगे समस्या, हाँ पानी की समस्या दूर करने के लिए सबसे पहले तरजीह उसको ही दी जाएगी। और हर बस्ती के अंदर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 18 झोपड़पट्टी है और 18 नंबर वार्ड है, इसके अंदर जो झोपड़पट्टी के अंदर एक नंबर तरजीह सिर्फ पानी की पाइपलाइन को दी जाएगी, उसके बाद के आगे काम जो है जो बड़े बड़े काम हैं इंशाल्लाह वो काम भी पूरे हम लोग करेंगे। मैं आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि शेख रजीद साहब को महापौर बनाने के लिए हम लोगों के जो पैनल दिए कांग्रेस पार्टी ने उस पैनल को जो है शेख रजीद साहब को जो महापौर बनाने के लिए उस पैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पंजे निशान के ऊपर भारी अक्सरियत से वोट दे। आवाम से मैं बार बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपका साथ आपका विकास ये मुद्दा लेकर हम जो है तो कांग्रेस पार्टी के फील्डों के अंदर खड़े हुए, आवाम अगर साथ दी ताकत के साथ हम मेजॉरिटी बनती हमारी, तो मेजॉरिटी बनने के बाद किसी को आज तड़जोड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी, फुल मेजॉरिटी के अंदर जो आवाम चाहेंगे वो काम होंगे, और हम लोग जो है तो पूरे काम करने की पूरे हद दर्जे कोशिश करें। इसी वार्ड नंबर 18 के कांग्रेस आई के उम्मीदवार इसराइल खान कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं, और या फिर आपको लोग वोट क्यों दें? सबसे पहले इलेक्शन लड़ना इसलिए चाहते हैं कि आज से 5 साल पहले हमारे वार्ड का इलेक्शन हुआ था, जब भी हम लड़े थे इलेक्शन, लेकिन अभी हमारे वार्ड के अंदर कोई किसी तरीके का काम नहीं हुआ है, इसके लिए पब्लिक का ऐसा मतलब वो बनी है कि हम लोग को वार्ड के लोगों को चुनी गई। इससे पहले 5 साल के पहले हमारे वार्ड में बाहर के वार्ड में अपनी बार चुन कर आए थे, अभी फिर से एक मरतबा वो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर आ गए। वहाँ पे आज वार्ड के अंदर पानी की ज़रूरत है, आज सबसे बड़ा मसला वहाँ पे पानी की पाइपलाइन है। हम अगर पहले सबसे पहले अगर हम चारों उम्मीदवार अगर चुन कर आते तो हम सबसे पहले पूरे हमारे हल्के के अंदर जहाँ जहाँ पर पानी का मसला है सबसे पहले हम लोग वहाँ पर पाइपलाइन पर इंतज़ाम करेंगे। उसके बाद में फिर जो मतलब गटर रोड तो सभी करते हैं, लेकिन अहम मसला आज पानी का है। आज पानी की वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा परेशान है कि आज लोग दो तीन तीन घंटा पानी के लिए आज बहुत दूर जाकर पानी लाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिलता है। अभी यहाँ पर रमजान में आ जाएंगे अभी कुछ दिनों के अंदर, अभी फिर इलेक्शन आ रहा है तो लोग फिर आगे खड़े हो गए कि हमको वोट दो, अब हम पानी का मसला कर देंगे। आज से पहले 5 साल पहले हमारे अयूब नगर अमनपुरे के अंदर कुछ ज़मीन का मसला है, पिछले 5 साल के अंदर भी उन्होंने ज़मीन का ये बोल वोट मांगे थे लोगों से कि हम ये ज़मीन का मसला हम उनको हल करके देंगे, उसके बाद तुम तो उनको वोट देना। लोगों ने पहले भी भरोसा करके उनको वोट दे दिया, लेकिन वो कुछ काम नहीं करे। अभी फिर लोगों को मतलब एक बार और झांसा देने के लिए आए कि हम अयूब नगर का ज़मीन का मसला हल कर देंगे, अमनपुरे का घोंटे वाली ज़मीन का मसला हल कर देंगे। बस मतलब हर 5 साल के अंदर आके लोगों को झांसा देकर अपना बिजनेस करके वो लोग चले जाते हैं। क्योंकि आप नौजवान हो, नौजवान की आदत हो आप, जैसा कि लोगों ने कहा है आपको, तो आप जैसा कि वार्ड में चल रहे हो फिर रहे हो, तो नौजवानों की क्या मांग है और आप नौजवानों के लिए क्या करना चाहते हैं अगर आपको जीत मिलती है इलेक्शन में? नौजवानों के लिए तो सबसे पहले तो हमारा अहम पढ़ाई का मसला है,
आज हमारे वार्ड के अंदर एक अच्छी खासी स्कूल जो चल रही थी आज उसको भी तोड़ दी उन्होंने, जो वहाँ पे आज प्राइमरी स्कूल के नाम से स्कूल नंबर 13 गांधीनगर चौक के अंदर चल रही थी उसको भी तोड़ के उन लोगों ने उसका भी सामान बेच डाला। आज वहाँ पे वो बच्चे स्कूल के आज घर पे बैठे हुए पढ़ नहीं रहे क्योंकि उनको पढ़ने के लिए कोई दूसरी स्कूल नहीं है ना, गरीब आवाम बच्चे कहाँ पर जाएंगे पढ़ने के लिए। तो लोग ने मतलब सबसे पहले हमारा अहम मामला ये रहेगा कि एजुकेशन सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर हम ध्यान देंगे कि यार हमारे वार्ड के अंदर स्कूलों के अंदर क्या चीज़ की कमी है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। पढ़ाई के ताल्लुक से ऐसा है कि हम स्कूलों के अंदर मतलब जो प्राइमरी स्कूल हमारे वार्ड के अंदर 7-1 स्कूल के अंदर चलती है, 2 स्कूल अलग, ऐसे 9 स्कूल टोटल प्राइमरी चलती है। हम वहाँ पर एजुकेशनल के लिए अच्छे से अच्छे मतलब हम हमारे वार्ड हमारे शहर के जो आमदार हमारे पार्टी के आज बड़े MLA आज हम उनके ज़रिए से मतलब बहुत कुछ ला सकते हैं स्कूल के अंदर। अलहमदिल्ला अभी हमारे वार्ड के अंदर 2 जगह ऐसे हैं कि उन्होंने वहाँ पे लैपटॉप दिया है, बच्चे लोग को कंप्यूटर दिया है, वहाँ पे स्कूल सेंटर बनाया है, जिम खाना बनाया है। अमनपुरे के अंदर आज एक ज़मीन ऐसी थी कि अगर वहाँ पर आसिफ साहब अगर वहाँ पर अगर वो ज़मीन के ऊपर अगर वहाँ पर आज कंपाउंड उसको नहीं करते तो शायद वो ज़मीन में जैसे कि मदनी नगर के मैदान जो बिक गया जिस हाल में वहाँ पे भी ज़मीन के ऊपर कब्जा होने वाला था, वो ज़मीन वहाँ पे बिकने वाली थी। लेकिन हमारे वार्ड के हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ 12 लोगों को लेके गए थे वहाँ पे बताया कि साहब यहाँ पे ये ज़मीन का ऐसा ऐसा मसला है, लेकिन अलहमदिल्ला उन्होंने हमारी बात को एकदम वहीं पर जगह पर एक्शन लिया और 8 दिन के अंदर हमको वहाँ पर उन्होंने एक वॉल कंपाउंड करके दिया, उसके बाद में स्कूल सेंटर वहाँ पर ओपनिंग भी करके दिया स्टडी सेंटर के लिए। तो वो उसके अंदर मतलब डेवलप का काम तो हो ही रहा है लेकिन वो किसी को दिख नहीं रहा है। लेकिन आज वहाँ पे अहम मसला पढ़ाई का है हमारे घर, हम अगर अल्लाह को नवाजा तो चार उम्मीदवार हम पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। मेरा अगला सवाल आपसे और आखिरी सवाल ये है कि अगर आवाम के नाम आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, आवाम के नाम कोई अपील करना चाहेंगे? हम पब्लिक से तो अपील ये करना चाहते हैं कि हमको चारों ओट कांग्रेस को दो, चारों ओट आप जब कांग्रेस को देंगे तो हमारे ओट सीधा ये शेख रशीद साहब को जाएंगी, आज जो शहर के मेयर बनने वाले हैं ये हमको मत देखो। अगर हमारे उम्मीदवार से किसी से अगर कोई गलती हुई तो हम चारों उम्मीदवार की तरफ से मैं अकेला आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हमारे को ठीक है ये वोट हमसे अगर कोई नाराज़गी हो तो हमको मत देखो। ये वोट मैं तमाम कांग्रेस के जो जाली वर्कर हैं उनका सब तक के ये बात बोलना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 18 मैं तो पूरे शहर के 21 वार्ड को पैगाम देना चाहता हूँ कि यार जितने कांग्रेस के जो जियाले वर्कर हैं ये तुम्हारी अगर कोई भी उम्मीदवारों से अगर अनबन हो तो तुम उम्मीदवारों को मत देखो, यहाँ पे ये आज सीधा ये वोट शेख रशीद साहब को जाएगा। तुम शेख रशीद साहब को वोट देख के दो, आगे इंशाल्लाह हर चीज़ में वो अपने शाना बशाना खड़े रहते हैं। तुम डेवलपमेंट का हर काम आज कांग्रेस पार्टी ने ही टोटल जितना भी बड़ा बड़ा काम किया है, आज मालेगांव शहर के अंदर पानी का पाइपलाइन, आज मतलब टोटल काम जितना ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। तो आप मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि जहाँ पर भी है, मैं तो वार्ड नंबर 18 से उम्मीदवारी कर रहा हूँ, मैं वार्ड नंबर 18 के तमाम दर्दों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमको भारी मोहम्मद से चुन के तो हमको 4 वोट देंगे, लेकिन हम चारों मिल के 1 वोट आसिफ शेख रशीद साहब को देंगे ताकि मेयर बनेंगे उनका हाथ लग को। 24 मई 2017 को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं। हर पार्टी का हर उम्मीदवार चाहे आज़ाद हो या किसी पार्टी से जुड़ा हो अपने अपने तौर से मेहनत कर रहा है अपने वार्डों में। वार्ड बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए घूम कर चल कर फिर कर गाड़ियों से पैदल जलसे जुलूस हर तरीके की कोशिश कर रहा है जीतने के लिए। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है मालेगांव शहर की पॉलिटिक्स का, इन्हें सितारा भी कहते हैं, एक जाना माना नाम है शहर में, चाहे वार्ड में तरक्की का मामला हो, शहर की शहरियत का मामला हो, शहरी लेवल पर कोई बात हो, इन जहाँ पर सियासत का नाम आता है पॉलिटिक्स का नाम आता है इनका नाम ज़रूर लिया जाता है। मेरी मुराद जनाब इजाज बेग साहब से है, आपका स्वागत है सर जनता जवाब न्यूज़। थैंक यू। मैं आप इलेक्शन लड़ रहे हैं 24 मई को, आपको वैसे तो कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोगों के दरमियान जा रहे हैं चल रहे हैं, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको लोग वोट क्यों दे या आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? वोट क्यों दे? गुज़िश्ता 20 सालों से मैं मालेगांव शहर के अंदर चुन के आता हूँ, म्यूनसिपलिटी के ज़माने में एक टाइम चुन के आया, उसके बाद लगातार 3 टाइम महानगर पालिका से चुन के आने के बाद ये मेरा 4th
टर्न मुकम्मल हुआ, आप एलियान शहर की दुआएं रही, वार्ड वालों का साथ रहा, तो मैं पांचवी टाइम हैट्रिक करने वाला हूँ। और ओड क्यू दे अगर आपका ये बोलना है तो आपको ये बात तो मेरे वार्डों के लोगों से पूछना चाहिए कि एजाज बेग साहब को आप क्यों ओड देते हैं। मैं जिस वार्ड में सिलेक्शन लड़ रहा हूँ, गुज़िश्ता 20 सालों से मैं यहाँ पर कार्पोरेटर हूँ और काम की बुनियाद ऐसी है कि हर 10 फुट का जो रोड है वो भी मैंने वार्डों के अंदर पक्का किया। मालेगांव शहर के अंदर स्टैंडिंग कमेटी बाहसियत स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहने के बाद मैंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, ये शहर के अंदर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वार्ड में जितने भी काम काज थे आज की तारीख के अंदर, मैं समझता हूँ कि 2-5% को छोड़ के मैं और मेरी अहलिया दोनों आज कारपोरेटर हैं और दोनों के वार्ड में मैंने भरपूर काम किए हूँ। लोग मुझे काम की बुनियाद के ऊपर बहुत पसंद करते हैं। आप काम की बुनियाद पर ही आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप लोगों के दरमियान जा रहे हैं, वार्ड बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा वार्ड मिला है अब हर उम्मीदवार को, आप लोगों के दरमियान जा रहे हैं, उनकी कोई ना कोई समस्याएं परेशानियां होगी और उनका हल आपके पास कैसा है, क्या है हल? ऐसा है कि मैं काम की बुनियाद के ऊपर ही चुन किया हूँ। जहाँ जहाँ जिस इलाके में मेरा वार्ड नया बना, मैंने जो देखा हूँ खासतौर पर नया आज़ाद नगर जूना आज़ाद नगर, उस इलाके के अंदर जो है लोगों को शादी का हाल नहीं है। मैं ऐसा चाहूँगा कि अगर वहाँ मैं को लोगों ने चुन के दिया तो सबसे पहले मेरी जद्दोजहद यही रहेगी कि वहाँ पर शादी का हॉल बने और लोग जो गलियों के अंदर तंग दस्ती के अंदर लोगों को शादी ब्याह के अंदर खाना खिलाते हैं वो मेरे दौर के अंदर वो ख़त्म हो जाए, ये मेरा सबसे बड़ा कारनामा रहेगा। अगला सवाल आपसे ये है कि आप जैसा कि पिछली बार आपने कहा कि आप पिछले कई मरतबा से म्यूनसिपल्टी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं माशाल्लाह, आप पिछली बार अभी फिलहाल आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो, तो आप ऐसे कोई काम के आवाम को आप बता सके कि ये मेरे काम है, ये मेरे दौर के इक्तदार के काम? मैंने अभी फ़िलहाल के अंदर 60 मस्जिदों के लिए हर मस्जिद के लिए 10-10 लाख रुपये का फंड दिया। ये पहले टाइम मालेगांव शहर के अंदर ऐसा हुआ कि मस्जिदों के एतराफ़ के अंदर रोड और गटर के लिए जो मैंने बजट दिया है 6 करोड़ रुपये का बजट दिया। मालेगांव शहर के अंदर आप देखते होंगे कि महीने दो महीने के अंदर हम लोगों ने रोड क्रॉसिंग करके पाइपलाइन जोड़ने का काम जारी है। अगर वो महीने दो महीने के अंदर हो जाता तो ये मैं समझता हूँ कि अहलियाने शहर के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हम लोग रोज़ पानी शहर के लिए दे सकते। जो इक्तदार के ऊपर बैठे, अल्लाह ने अगर हमको इक्तदार के ऊपर वापस लाया तो ये हमारे दौर का कारनामा रहेगा। आज नहीं कल होगा तो आवाम देखेंगे कि हम लोग मालेगांव शहर के लिए रोज़ एक टाइम पानी देंगे और देने की पोजीशन अगर ऐसी है कि पानी अगर हम दे सकते तो वो पाइपलाइन जुड़ जाने के बाद हम 2 टाइम भी पानी दे सकते। जैसा कि आपने कहा कि मैं जब से इलेक्शन लड़ रहा हूँ माशाल्लाह जीत करा रहा हूँ, अगर आपको इस बार जीत मिलती है तो आपके पास अगला डेवलपमेंट प्लान क्या होगा या कोई एक बड़ा मकसद आपका? मैं यही चाहूँगा कि शहर के जो रास्ते हैं तंग दस्ती के वो बड़े बड़े हो जाए। आज अतिक्रमण का जो मामला है कोई उसके बारे में बोलने वाला नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि शहर को रास्ते से कशीदा हो जाए, जो आज माँ बहनों को स्कूल के बच्चे लोगों को जो रोड के ऊपर चलने की तकलीफ है ये सारी दूर होना चाहिए। बच्चे लोग बहुत परेशानी से स्कूल जाते और उनके सरपरस्त वालदेन जो उनको लेने के लिए जाते वो भी बेचारे बहुत धक्का खाते जाते हैं। मैं देखता हूँ ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए शहर से। आपके मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में तालीम के लिए कोई खास प्रोटोकॉल? तालीम के लिए तो ऐसा है कि तालीम को जो है मैं एक नंबर के ऊपर रखता हूँ। आप अगर देखा जाए मालेगांव शहर के टीचर लोगों से अगर पूछा जाए, जब मैं इक्तदार के ऊपर बैठता हूँ तो बाकायदा तौर पे उनका जो पैसा रुका हुआ रहता है ये मेरे ही दौर के ऊपर मैंने दिया हूँ, ये अच्छी तरीके से अहलियान शहर के पूरे टीचर जानते हैं। और उसी के कड़ी थी कि जो गुज़िश्ता 5 साल पहले जो मैंने इलेक्शन लड़ा था तो जितनी भी वोट गिरी थी वो 100% मुझको पोस्टल वोट टीचरों ने दिया था, एक भी वोट किसी को नहीं दी थी। ये सबसे बड़ा मेरा कारनामा है, ये शहर के टीचर अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे तालीम के लिए कोई? तालीम के लिए जो है हम लोगों ने मुफ्त ब्याज दिए बच्चे लोगों को, आइंदा आने वाले साल में भी देंगे, ये सिलसिला जारी रहे। हम लोग तो यही सोचेंगे कि भाई जो गरीब बच्चों को किताब ब्याजों की तकलीफ़ है वो मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर हमने शुरू किया कि इसको देना चाहिए। हम इक्तदार के ऊपर रहे, चाहे मेयर साहब हो चाहे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन एजाज बेग राव, हमने ये हमारे टाइम दिया गया और हम इसको सिलसिले को जारी रखेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा कारनामा रहेगा। आपको आवाम देख रही है, आवाम के नाम पे पैगाम देना चाहिए? आवाम को मैं यही कहूँगा कि
मैं जिस पैनल से खड़ा हूँ उस पैनल को आप कामयाब करें, ये मेरी दुआएं है एलियान शहर के लोगों की, मुझे दुआएं, और इंशाअल्लाह ताला मैं शहर के लोगों से यही कहूँगा कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके लिए हाजिर रहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला रहूँगा। जब भी एलियान शहर के लिए वो एक वार्ड का नुमाइंदा होने की हैसियत से तो नहीं, आज पूरे शहर की जिम्मेदारी लेकर चलता हूँ, अगर ये ऐसा रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं एलियान शहर की खिदमत के लिए तैयार हूँ। 24 मई बरोज़ बुध को जो मालेगांव महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहा है, मैं एलियान शहर से गुजारिश करूँगा कि घड़ी बटन के ऊपर आप लोगों को वोट देना है, और साथ साथ जहाँ हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार है जिनका निशान चारे वाली भाई है, ऐसे तमाम लोगों को आपको चुन के देना है, मेरी ऐसी गुजारिश एलियान शहर को मैं मेरी तरफ से करता हूँ। और एलियान शहर को नए ख्वाहिशात के साथ साथ 24 मई को होने वाला जो इलेक्शन है और शांति और खुश असलूबी से हो जाए, यही मेरी दुआएं है। 24 मई को मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले, हर पार्टी का हर उम्मीदवार जीतने की कोशिश में लगा हुआ है, मीटिंग जलसे जुलूस करके लोगों से मुलाकात करके जीत की सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा है। वार्ड नंबर 20 की उम्मीदवार कांग्रेस आई की रशीदा बी अब्दुल मन्नान साहबा हमारे साथ आज मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहती हैं? मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ मेरे मामा बहनों को जो तकलीफ है दूर करने का, और मैं इलेक्शन जीत कर आऊँगी तो मैं जो भी फंड है जो कुछ भी है तो उनके लिए मैं करूँगी। कोई खास इंतज़ाम कोई आप सोचे आपने कि मैं जीत के आने के बाद? जीत के आने के बाद दवा खाना और ये जो माँ बहनों की तकलीफ है ये दूर करूँ, बेटा संघर्ष करूँगी सब। वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस आई के उम्मीदवार माजी आमदार शेख रशीद साहब के पैनल से खड़े हुए हैं सुल्तान अहमद अब्दुल मन्ना, जिन्हें सुल्तान मेंबर के नाम से जाना जाता है। वार्ड की आवाम से ये बहुत प्यार करते हैं और वार्ड की आवाम भी इन्हें बहुत चाहती है। आज ये इनकी वालदा जो कांग्रेस आई के टिकट पर खड़ी हुई है उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है धन्यवाद। मैं सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपको लोगों ने देखा बहुत काफ़ी सालों से आप सोशल वर्किंग कर रहे हैं, आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? आपकी वालदा को मैं इसलिए अपने वालदा को इलेक्शन लड़वाना चाहता हूँ कि वार्ड के जो मसाइल हैं जो वार्ड की जो तकलीफ है वार्ड की तकलीफों को दूर करने के लिए, और लोगों के हॉस्पिटल है शादी ब्याह है मौत मैयत है इसके जो मामला हमारे सामने आते हैं इसके लिए हमको वार्ड के लोगों ने सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद संघर्षित साहब के फैमिली का शुक्र अदा करता हूँ कि गरीब और मुस्तैक को उन्होंने कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया, और वार्ड के लोगों का बहुत एहसान है मेरे ऊपर जिन्होंने ये टिकट के लिए बार बार महाराणा संघर्षित साहब से नौजवाना गुजारिश करके मेरे को टिकट तक पहुँचाया। मैं अगला सवाल आपसे चाहूँ कि आप लोगों के दरमियान जैसा कि जा रहे हैं आपके लोगों को लेकर आप जा रहे हैं क्या परेशानी, क्योंकि आपका बहुत सही जो वार्ड है कच्चे इलाकों पर है तो लोगों की क्या परेशानियाँ सामने आ रही है और उनका हाल आपके पास क्या है? लोगों की परेशानियाँ सामने आ रही है, रोड है, गटर है, नल है, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो ये नल की जो पाइपलाइन की है, तो ये पाइपलाइन का सबसे पहला ये है कि चुन दिया अल्लाह ने, अगर इज्जत दिया अल्लाह ने कार्यक्रम में पहुँचाया तो सबसे पहले हुकूमत से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा दरख्वास्त करूँगा कि हमारे वार्ड में जो पानी की तकलीफ है जो हमारे शहर में हमारे एरिया में जो पानी की तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, और जो रोड गटर है नल है जितनी सारी तकलीफ है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ये सबसे बड़े यानी कि मतलब पानी और रोड का मसला है, पानी और रोड का मसला है और गटर। अगर आपको जीत मिलती है तो जैसा कि आपके इलाके में जो है बहुत सी गरीब बस्तियाँ भी है वहाँ पर तालीम की कहीं ना कहीं कमी है, तो तालीम के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है जीत कराने के बाद? तालीम के लिए तो प्रोग्राम आसिफ शेख रशीद साहब ने हमारे जो आमदार है हमारे शहर मालेगांव के शेख रशीद आमदार साहब आसिफ शेख उन्होंने हमको कल एक वो दिया है कि तालीम के लिए जो अपनी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह तालीम के लिए मजबूत कोशिश करेंगे और उसको अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तालीम के लिए आप अपने वार्ड में कोई खास कोई प्रोग्राम वगैरह? प्रोग्राम है स्कूल का, स्कूल है आंगनवाड़ी है, जो भी तकलीफ है एजुकेशनल के तालुक से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहिए? आवाम के नाम ये पैगाम है कि उन्होंने अपने को जो उनके लिए चुना उन्होंने अपने को जो पसंद किया सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद उनके लिए जो भी मामलात रहेंगे अगर उन्होंने दो मेरे रात को अगर आप लोगों को फ़ोन किया तो हमारा फर्ज मेरा फ़र्ज बनेगा कि मैं उनका कुछ दवा खाना हो मौत मैयत हो शादी हो जो भी सारे मामला वार्ड के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा
और पूरे शहर के लोगों से गुजारिश करूँगा कि कांग्रेस पार्टी के फाइनल में चार लोग हैं, चारों पंजा निशान दबा कर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज 10 सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 192 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज यूट्यूब पर। देखिए सच्चाई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।